Hello everyone, this is Omkar Verma, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Rawalpindi Sarkari University. आज हम इस लेक्चर में सेटिंग आउट ऑफ कर्व से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे. सो सेटिंग आउट कर्व है क्या, कि हम सेटिंग आउट कर्व लिखा क्यों. कोई भी कर्व जब भी हम डिस्कस करते हैं, कोई भी कर्व हम जब भी ड्रॉ करते हैं, कर्व टॉपिक से रिलेटेड मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी है. तो हम भी कोई भी चीज़ का कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए सेटिंग की ज़रूरत होती है. तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स यूज करना है. जैसे टू सेट आउट द कर्व ऑन ग्राउंड फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड. सो अवेलेबल कौन कौन से मेथड है, परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड, रेडियल ऑफसेट मेथड, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड, डिफ्लेक्शन टेंजेंट एंगल मेथड, या इसी को हम कहते हैं रैंकाइन मेथड. वन बाय वन हम जितने भी मेथड्स है इसका यूज करके हम सेटिंग करेंगे कर्व का. सो हम वन बाय वन जितने भी टॉपिक है उससे रिगार्डिंग हम वर्क करेंगे. सो नंबर वन परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड. परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड नाम से क्लियर हो रहा है कि परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा कुछ. तो परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा कुछ तो मैं एक सिंपल सर्कुलर कर्व ड्रॉ करता हूँ. इनकेस ये हो गया मेरे पास सिंपल सर्कुलर कर्व. ये यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं कोई रेडियस लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई रेडियस लिया, और इस तरीके से ये कोई डिस्टेंस मेरा आर रेडियस का डिस्टेंस है, और ये मेरा सिंपल सर्कुलर कर्व है. यहाँ पर मैंने कोई टाइम टाइटल दिया T1 पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट आ गई. अब ये क्या परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड. यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट से एक बैकवर्ड टेंजेंट में ड्रॉ करी इस तरीके से, और यहाँ पर इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ऑफसेट दे देता हूँ. ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया. परपेंडिकुलर ऑफसेट में नाम दे देता हूँ ए डैस मेरा क्या है, परपेंडिकुलर ऑफसेट. इसका डिस्टेंस मैं दे देता हूँ OX इस तरीके से स्मॉल OX. ये मेरा पास हो गया डिस्टेंस. यहाँ पर से इस पॉइंट A1 पॉइंट से कोई पॉइंट C सिमिलरली आएगी, यहाँ पर कोई पॉइंट C आती है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, OX ही रहेगा. OX यहाँ पर भी रहेगा सिंपल सिंपल. और ये यहाँ से लेकर के A पॉइंट तक का कोई डिस्टेंस मैंने लिखा X डिस्टेंस. इस तरीके से मेरे पास परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड में क्या है कि एक कोई भी सिंपल सर्कुलर कर्व का एक आर रेडियस के अकॉर्डिंग मैंने जिस तरीके से फिगर ड्रॉ कर रखी है. अब क्या है ऑफसेट मेरे पास क्या आ गई, ऑफसेट की बात कर रहे हैं. तो ऑफसेट क्या आ गई हमारे पास कि OX, ये मेरे पास OX को मैं क्या लिख सकता हूँ, A डैश भी लिख सकता हूँ फिगर के अकॉर्डिंग. A डैश इज इक्वल टू OX. सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, T1C. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1C. इस तरीके से मेरे पास ऑफसेट है. अब इस T1C इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, OT1 माइनस OC. इस तरीके से T1C OX सिमिलर फॉर्मूला का यूज करूँगा, मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करूँगा और T1C का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा. सो यहाँ पर OT1 टोटल डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है अवेलेबल है R. सो R माइनस OC मेरे फाइंड आउट करनी है, O से C फाइंड आउट करनी है. तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास X अवेलेबल है. सो X अवेलेबल है, O से C मेरे को चाहिए, और ये मेरे को पता है कि ये वाला डिस्टेंस मेरा R है. तो सिंपल रूट ऑफ क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. इस तरीके से फॉर्मूला यूज होके आती है, जनरेट होके आती है. ये मेरे पास क्या ओ एक्स की ही वैल्यू है, ओ एक्स इज इक्वल टू दिस. कॉमनली जनरली हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं, ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2R. ये क्या है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली approximately रिलेशन है.
OX निकालने के लिए ये फॉर्मूला मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखनी है। OX ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, इसको भी हमको जनरली याद करना है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर ऑफसेट का रेडियल ऑफसेट मेथड आता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, रेडियल ऑफसेट मेथड। सेकंड, रेडियल ऑफसेट मेथड। रेडियल ऑफसेट मेथड नाम से क्लियर हो रहा है कि रेडियल ऑफसेट मेथड होगा क्या, कि ये जो डायग्राम जो बना है इसमें ये जो परपेंडिकुलर मैंने रखा था इसको क्या करना है आपको, कि परपेंडिकुलर नहीं रख के आपको रेडियली रख लेना है। अब यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगा OX, ये मेरा पॉइंट था वो पॉइंट ए पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, और टोटल डिस्टेंस x ये पॉइंट ए तक ही चले जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास डायग्राम क्या बन जाएगा हमारा, रेडियल ऑफसेट मेथड के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर डायग्राम बन जाएगी, कि ये वो जो ए पॉइंट है वो टॉप में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो OX का फॉर्मूला जो जनरेट होके आएगी वो फॉर्मूला कुछ अलग होगा। OX में क्या लिखूंगा, OX इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, AO माइनस OA डैश। क्लियर, यहां से जो OX निकल के आती है वो OX से माइनस करके ये निकल के आएगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल R है ही, तो मेरे पास OA माइनस OA डैश। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, OX इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस OA का वैल्यू मेरे पास क्या है, R मेरे पास यहां पर अवेलेबल है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आती है किसके लिए, रेडियल ऑफसेट मेथड के लिए। सिमिलरली यहाँ पर OX का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आती है, अप्रोक्सीमेटली रिएक्शन क्या आता है, वो है एक्स स्क्वायर अपॉन टू आर। जैसे कि मैंने पहला भी लिख रखा था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपको लिखना है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली रिलेशन। सिमिलरली दोनों का जो रिलेशन है वो सिंपल सिमिलर होगा, और ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, ये हमको याद रखना है। थैंक यू।